प्रातःकाल चल रहा था, 18/12/1968, बुधवार को छठे पेज के मध्यान्ह में बात चल रही थी। ये जो ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा का रात गाई जाती है, वो ब्रह्मा कोई सदैव तो नहीं रहता है। तो ये ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात क्यों गाई जाती है? क्योंकि ब्रह्मा ही तो फिर चक्कर फिराते हैं। भाई तुम अभी ब्राह्मण बन रहे हो, फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय बनेंगे, वैश्य, फिर शूद्र बनेंगे। तो मुख्य तो ब्रह्मा हुआ ना। ब्रह्मा के तो पांच मुख भी दिखाए जाते हैं। चतुरानन भी गाया हुआ है। अभी किसका नहीं तो मंदिर यादगार, या तो ब्रह्मा का रखे या विष्णु का रखे। अरे जिसका चाहिए सो रखे। ब्रह्मा है रात का और वो विष्णु है दिन का। फिर वो ही रात का दिन बनाते हैं या बनते हैं। दिन का 84 जन्म की रात रख दिया है तो कितना बच्चों को अच्छी तरह से समझाया जाता है और कितनी सहज समझानी है। इसको कहा भी जाती है, कही भी जाती है सहज समझानी। समझानी सहज है, वो भी सहज समझानी किसी को दे नहीं सकते, क्योंकि पूरी याद ही नहीं कर सकते। तो स्कूल के चिल्ड्रन समझाने भी नहीं पढ़ते हैं पूरी, तो रिजल्ट क्या होता है कि फिर नंबर वार पद पाते हैं। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार पद पाते हैं और उसी के साथ पहले का है फिर याद का भी है। पीछे जितना जो याद करते हैं सत्व प्रधान बनने के लिए, उतना सत्व प्रधान बनते हैं। ऐसी क्लियर बात है सीधी कि बरोबर हम सत्व प्रधान से तमो प्रधान कैसे बने, फिर तमो प्रधान से सत्व प्रधान कैसे बनते। भारत सत्व प्रधान, सो ही भारत है तमो प्रधान। सो भारत है तमो प्रधान, सो भारत सतो प्रधान। तो बीच में क्या है? सतो प्रधान, सतो रजो तमो, तो वो तमो बन जाते हैं। तो देखो कितना ज्ञान बच्चों में अच्छी तरह से है। 18/12/1968 की प्रातः क्लास का 7वां पेज। अब ज्ञान का सिमरन भी करना है, नाली जी को सिमरन तो करेंगे ना। और फिर तुमको, क्योंकि तुमको मृत्यु तो आती है ना,
और ये ज्ञान भी है नई दुनिया के लिए। तो तुमको ज्ञान भी तो देना है ना। जो नई दुनिया में आवे उस ज्ञान के आधार से आवे ना। तो कितना तुमको भी सहज समझाने का है। ज्ञान के लिए भी बहुत सहज समझाते हैं। बाप का परिचय दियो बेहद के बाप का। हद के बाप को तो तुम जन्म जन्मांतर सभी जानते हैं। अरे मनुष्य तो क्या, ये जानवर है, कुत्ते बिल्ले ये भी जानने वाले हैं। तो अगर बेहद के बाप को नहीं जानते हैं तो फिर कुत्ते बिल्ले जैसे बन गए ना। यानी बेबिचारी बन गए। यानी वो लौकिक बाप को तो सभी जानते हैं, जानवर भी जानते हैं देहधारी बापों को। अरे पर वो जो बाप है बेहद का बाप, जिसको हम मनुष्य मात्र अच्छी तरह से याद करते हैं, ओ परमपिता परमात्मा। देखो सब सब भाषाओं में उनको ऐसे याद करते हैं। जैसे ये इंग्लिश लोग होते हैं वो भी याद करते हैं, ओ गॉडफादर लिबरेट अस, ओ गाइड, ओ लिबरेटर। अभी लिबरेटर और गाइड का अर्थ तो तुम बच्चों की बुद्धि में अभी बैठता है और अच्छी तरह से बैठता है। बरोबर हमको ये दुख से ये पीछे रावण का तुम समझ ही नहीं सकते, पर है तो ये बरोबर दुख धाम ना। आयरन एज तो है ना, और वो गोल्डन एज तो पास्ट हो गई है। तो गोल्डन एज में तो सुख ही सुख था ना। इसको देखो नबी आते हैं, गोल्डन एज में नहीं आते हैं तो भी महिमा तो करते हैं ना भाई। पैराडाइज था, हेवन था। तो ये सभी बातें सब बच्चों को समझने की हुई ना। तो ये समझ रहनी चाहिए ना स्टूडेंट्स में, और बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, बहुत खुशी होनी चाहिए। और दैवी कर्म भी करना पड़े। क्यों? क्योंकि स्वर्गवासी बनती है ना। अभी कोई आसुरी कर्म करेगा तो वो मनुष्य मानेंगे नहीं, बोलेगा ये क्या कहता है, कहता क्या है और समझाता क्या है। तो जैसे वर्ड क्या, थाट डीड वर्ड कथनी करनी सब देवता जैसा होना चाहिए। अभी है तो आसुरी जैसा। ये
पीछे बदल करके ऐसा बनना है, बनाना भी है देवता जैसा। तो देखो तुम्हारा देवताओं जैसे बनते हैं ना, और तुमको खुशी भी तो होती है ना कि बरोबर अभी हम अपने घर जाएंगे और फिर अपनी राजधानी में आएंगे। ये तो अच्छी तरह से बुद्धि में है ना। फिर बरोबर है ये 84 जन्म। अब 84 जन्म नहीं तो भले कोई कितने भी जन्म समझे तो भी तो है कि 84 जन्म तो हैं। अब किसके हैं किसके नहीं, तो बरोबर 84 जन्म का अर्थ ये है कि सतयुग में जाना, पीछे त्रेता द्वापर कलयुग, इसमें 84 जन्म भोग करके फिर पतित बनना, फिर बाप आकर के पावन बनाते हैं। तो पतित और पावन ये बात तो मानते ही है ना सभी। इसको सतयुग कहते हैं, उसको कलयुग कहते हैं। बाकी जो टेन चेंज करने का टाइम, सो तो फिर संगम युग है। और वो संगम युग अभी सिर्फ तुमको मालूम है, और तो कोई धर्म वालों को मालूम ही नहीं है। तब तक उनको मालूम नहीं पड़ेगा जब तक तुम अच्छी तरह से उनको समझाओ और उनमें भी समझेंगे फिर वही जिन्होंने कल्प कल्प समझा है। तो अभी ये ज्ञान बच्चों में होना चाहिए, होना चाहिए ना बच्चे। ये स्मृति में सारा दिन किसको समझाने के लिए नॉलेज है। और बाबा में तो सदैव ये नॉलेज है ना। नॉलेज फुल में आकर के इसमें प्रवेश किया है। तो प्रवेश किया है, नहीं तो उसके पास क्या है? ये नॉलेज ही नॉलेज है और क्या है, ऐसे ही बोलेंगे कि नॉलेज ही नॉलेज। तुमको भी नॉलेज ही नॉलेज भाई। ये नॉलेज किसकी नॉलेज? ये भाई सारे सृष्टि की, मनुष्य सृष्टि के, झाड़ की, कल्प वृक्ष की नॉलेज हम दे सकते हैं, और तुम सभा में भी कह सकते हो। ये जो कल्प वृक्ष है मनुष्य का, जिसका बीज ऊपर में है, जिस बीज को सत्य कहते, चित्त आनंद कहते, सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं, और जिसको नॉलेज फुल भी कहते हैं, क्योंकि इस मनुष्य सृष्टि के झाड़ के आदि मध्य अंत की नॉलेज माना सारी दुनिया के आदि मध्य अंत की नॉलेज, ये हमको पता है, हम जानते हैं, क्योंकि बाबा ने ये हमको समझाई है।
ऐसी ऐसी बातें अच्छी तरह से नोट करके कि हमको क्या कहना है, क्या समझाना है, तो वो समझे ना कि बरोबर इनको बाप, बेहद का बाप समझाते हैं। और ये नॉलेज है, ईश्वरीय नॉलेज जिसको कहा जाता है कि बेहद का बाप देते हैं। और इस ज्ञान से सबकी सदगति होती है, भक्ति से तो सबकी सदगति नहीं हो सकती। वो कुछ भी भक्ति की हो, गंगा जी के ऊपर जाकर बैठा है किनारे, वो जो भगत होते हैं वो गंगा के किनारे जाकर बैठते हैं ना। तो अब तुम कोई गंगा जी के ऊपर जाकर बैठेंगे थोड़े ही, नहीं। ये भक्ति में और ज्ञान में रात दिन का फर्क है। और फिर देखो, तुम जानते हो हमको तो वापस जाना है, दुनिया खत्म। अब उन सबको थोड़े ही मालूम है कि दुनिया खत्म होनी है, उन विधर्मियों को कुछ भी नहीं मालूम, एकदम बिल्कुल ही बुद्धू है। तभी बाबा कहते हैं ना, देखो ये नॉलेज तुम ब्राह्मणों को, न शूद्रों को, न देवताओं को, उनको मिलती ही नहीं है। अठारह बारह 1968 की प्रातः क्लास का 8वां पेज। तो नॉलेज के लिए हम कहेंगे ये नॉलेज है ईश्वरीय नॉलेज है, ज्ञान रतन, जिसका तुम्हारे शिव बाबा का भंडारा भरपूर, सो तो वो तुमको देंगे ना। जरूर देंगे, जिससे तुम फिर वो देवता बनते हो। तो भरपूर तो कहेंगे ना, शिव बाबा का भंडारा। अभी कोई लेवे और धारण करे, तभी बाबा भंडारी दे ना। ऐसे बच्चे नहीं करते हैं, मंदिर में जाते हैं शिव बाबा के आगे, फिर शिव शंकर को कह दिया है, बस भर दे झोली, भर दे झोली, भर दे। अब झोली भर दे, वो तो ज्ञान रत्नों की झोली है ना, लक्ष्मी के आगे नहीं कहेंगे झोली भर दे। लक्ष्मी के आगे तो रुपया रुपया पैसा रख करके उनकी पूजा करेंगे, धन की पूजा करेंगे। वो बोलेंगे भर दे, बंड भर दे, ब्राह्मणों को ऐसे कहेंगे भर दे। अभी अकल तो कुछ भी नहीं है, क्या भर दे, अरे कुछ कर दे बस। वो उन्होंने सुना है ज्ञान रत्नों का सागर है, ज्ञान रत्न देते हैं। अरे वो ज्ञान व्यान तो कुछ समझते ही नहीं है। तो तुम बच्चे तो जानते हो, समझते हो ना, हम कितने बिल्कुल ही तमो प्रधान, बिल्कुल बेसमझ थे।
अभी हम सतो प्रधान बन रहे हैं, बहुत समझदार बन रहे हैं, और जानते हैं कि बरोबर हम अभी फिर से समझदार बनेंगे। फिर तुम कहेंगे समझदार बनेंगे, फिर बेसमझ बनेंगे, फिर कहेंगे हम देवता बनेंगे। इतनी उत्तम दशा इस भारत की, स्वर्ग नाम और कितना वो ही धर्म कितना हो गया ऊंचते ऊंच धर्म। देखो तुमको तो मालूम हो गया ना अभी कि बरोबर अभी बाबा हमको इस अविनाशी ज्ञान रत्नों से मालिक बना रहे हैं, और कल्प कल्प मालिक बनाते रहे। तो किसका भंडारा भरपूर? कहेंगे अविनाशी ज्ञान रत्नों का भंडारा भरपूर। जिन ज्ञान रत्नों से तुम अभी मालामाल बनते हो, कोई वो धन रुपया पैसा तो नहीं देते है ना, वो भंडारा तो नहीं देते ना, और कोई चीज नहीं देते हैं, ज्ञान देते हैं, और ज्ञान से ही सदगति। सदगति माना स्वर्ग में जाने की गति, या कहें मुक्ति धाम में जाने के लिए। तो सारा बच्चों की बुद्धि में मालूम है ना, ऐसे तो नहीं कहेंगे कि नहीं मालूम है, क्योंकि तुम तो अभी मोस्ट वैल्यूबल हो। तुम्हारा जैसा वैल्यूबल मनुष्य यानी श्रेष्ठ मनुष्य जो बनने वाले हो तुम, श्रेष्ठ बनती हो ना बच्ची। देखो पढ़ाई से भी तो श्रेष्ठ बनते हैं ना। अब आज की दुनिया में ही देख लो, मेहतर भी एमपी बन जाते हैं, बनते हैं ना। अब देखो कहां मेहतर और कहां एमपी। वहां वहां एमपी को इकट्ठा करते रहेंगे, और आकर के सभी एमपी इकट्ठे रहेंगे, एमपी एमपी की पार्टी करेंगे, करेंगे ना। अब देखो फिर उनका मेहतरपना कहां चला जाता है, और तुम्हारा वरीय भी जो मेहतरपना है एकदम भाड़ खाने का, वो कहां से चला जाता है? देखो तुम क्या बन जाते हो दूसरे जन्म में। हाँ वो इसी जन्म में कितने अछूत, अरे अछूत बात मत पूछो। ये वो जो है बल्लभाचार्य, अभी वो बल्लभाचार्य में से भी आजकल एमपी बनते हैं। ऐसे तो नहीं है कि कोई नहीं बनते हैं। अरे सन्यासी भी बनते हैं, फकीर भी एमपी से क्या बन जाते हैं, साधु भी बनते हैं। अब देखो यूपी में चीफ मिनिस्टर, और इस पुरानी दुनिया में तो वहां बड़ी मेहतर भी पड़ा हुआ कुर्सी पर बैठ करके
हेल्थ से करेगा, खाना खाएंगे, एक दो में बैठ करके खाना खाएंगे। अच्छा बच्ची टोली ले आओ, नालिश तो बड़े मजे की है, खुशी होती है ना बच्ची, इतने कॉलेज है, इतनी यूनिवर्सिटी, ये फलाना, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का दिल व जान से और प्रेम से याद प्यार और नो गुड मॉर्निंग, मीठी मीठी सीखी ले रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते। जब भी नए नए आते हैं रूहानी ब्रदर्स, तो ब्रदर्स के भी तो शरीर में तो है ना, तो ऑक्यूपेशन जानना चाहिए ना। ओम शांति।